बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं सेवइयाँ। बहुत मज़े की रेसिपी है। चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सेवइयाँ बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी नोट कर लें। हाथ से बनी हुई सेवइयाँ ली हमने 2 कप। उबला हुआ दूध लेंगे हम हसबे ज़रूरत। इसके अलावा शक्कर हमने ली, ये तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून है। देसी घी लेंगे हम तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। चलें जी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये सेवइयाँ बहुत कलरफुल होती हैं और बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। इसके अलावा मैंने 2 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं, अपलोड की हुई हैं अपने चैनल पर। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो भी दूध वाली सेवइयाँ और मीठी सेवइयाँ। चलें जी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन लेना है, इनको अच्छी तरह गर्म कर लेना है और इसमें सेवइयाँ डाल देनी है। और याद रखिएगा, इसमें आपने घी का इस्तेमाल नहीं करना, इनको ड्राई रोस्ट करना है। बग़ैर घी के हमने इनको अच्छी तरह भून लेना है। हल्का सा इनका कलर चेंज होगा और साथ ही इसमें प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, तभी हम फ्लेम को बंद कर देंगे। बहुत ज़्यादा आपने इनको भूनना नहीं है, वरना ये ब्लैक हो जाएंगी। जी फ्रेंड्स, सेवइयों का कलर चेंज हो चुका है, अच्छी तरह भून लिया हमने सेवइयों को और इसमें खुशबू भी आनी शुरू हो चुकी है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इनको प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। याद रहे, हमने सेवइयों को बॉईल करना है और फ्लेम को हम तेज़ कर देंगे। पानी में बबल स्टार्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें सेवइयाँ ऐड करेंगे। सेवइयाँ डालकर अच्छी तरह इसको हिलाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा फेसबुक पेज है, उसको ज़रूर लाइक करें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सेवइयाँ हमारी बॉयल हो चुके हैं, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और पानी ड्रेन कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सेवइयों को हमने बॉयल करके इसका पानी ड्रेन कर दिया है और सेवइयों को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम पैन लेंगे, इसमें हमने 2 टेबलस्पून घी डाला है। ये हमने घी, असली वाला देसी घी इस्तेमाल किया है। देसी घी में बहुत मज़े की सेवइयाँ बनती हैं। अब हम इसमें सेवइयाँ ऐड करेंगे। सारी सेवइयाँ डालकर इसके ऊपर हमने फिर 2 टेबलस्पून घी डाला है। आधा हमने नीचे डाल दिया है, आधा हम सेवइयों के ऊपर डाल रहे हैं और अच्छी तरह इसको हिलाएंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को आपने स्लो कर देना है। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। शक्कर डालकर अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और साथ ही फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इसको कवर करेंगे। सेवइयाँ हमारी रेडी हैं, हमने प्लेट में इसे निकाल लिया है। आप देख सकते हैं बहुत कलरफुल, बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं। इसके अलावा हम दूसरा तरीका भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक बाउल लेंगे, इसमें हम सेवइयाँ डाल लेंगे। सेवइयाँ डालकर हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर आप हसबे जायका यूज़ करें। आप चाहें तो शक्कर की जगह आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को शक्कर पसंद है वो यूज़ करें, जिनको नहीं पसंद वो इसकी जगह चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें शक्कर यूज़ करेंगे। शक्कर आप हसबे जायका डाल लें। साथ ही हम इसमें गरम दूध डाल देंगे। दूध आप हसबे ज़रूर डालें। फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ दोनों तरीके शेयर किए हैं, आप दोनों तरीक़ों के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।